गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 2 करी थी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे आज। उससे पहले हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमने कोई भी एक नंबर लिया, तो इसमें इस पर्टिकुलर नंबर में एक एक डिजिट की क्या वैल्यू है वो हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है तो वो हम देखेंगे कि वो क्या होती है। जैसे हमने 4 लिया, तो अब वंस, टेंस और ये 4 कौन सी प्लेस पे? 100 की प्लेस पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 400। और जैसे अब ये तो प्लेस वैल्यू हो गई, अब फेस वैल्यू क्या होती है इसकी? इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो होगी ओनली 4, बिकॉज ये जो नंबर हमें शो हो रहा है फेस वैल्यू में, हम सिर्फ उसकी इंडिविजुअलिटी देखेंगे कि वो क्या है। 4 नंबर है तो इसकी फेस वैल्यू 4 हो गई। बट प्लेस वैल्यू में हम क्या देखते हैं कि ये कौन सी पोजिशन पे है, किस उस पे है। जैसे ये वंस पे है, ये टेंस पे और ये 100 पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू 400 हो गई। ऐसे ही हम 2 की देखें प्लेस वैल्यू, अब ये कौन सी प्लेस पे? 2। टेंस की प्लेस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20, बिकॉज टेंस की प्लेस पे। और फेस वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। तो आपको समझ में आया, जैसे कि हम जिस पोजिशन पे हमारे डिजिट है वो उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी नंबर में, और जो नंबर इंडिविजुअल जो शो हो रहा है हमें वो हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू। अब हम हमारी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। ये जो हमारी अंडरलाइन डिजिट है, जैसे इसमें 6, 3 और 2, इनकी हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, सिर्फ प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं। फेस वैल्यू तो क्या होती है, जो एज इट इज हमें नंबर दिख रहा है इंडिविजुअल वो लिखेंगे। अब प्लेस वैल्यू क्या है, जैसे हम देखें वंस, टेंस, 100 और 1000, तो 6 कहाँ है? 1000 की प्लेस पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 6000। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट हम ऐसे ही लिखेंगे तो इसमें हमारे पास अदर डिजिट तो है नहीं, तो हम यही वाला जो वर्डिंग वाला मेथड है वही अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, बी, वंस, टेंस, 100, 3 किसकी प्लेस पे है? 100 की प्लेस पे, तो 300। नेक्स्ट सी देखें हम, वंस, 2 किसकी प्लेस पे? वंस की प्लेस पे, तो ओनली 2, इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2, इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 300 और इसकी 6000। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, मेक नंबर्स विद द वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड गिवन। अब क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है वंस, टेंस, थाउजेंड, हंड्रेड, इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर अरेंज करना है। तो हमें पता है कि जो हमारी सीरीज चलती है नंबर अरेंज करने की, वो क्या होती है? वंस, टेंस, हंड्रेड एंड देन थाउजेंड, यही सीरीज चलती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, हमारे पास वंस क्या है? तो वंस हमारा 5 है, तो हम 5 पहले लिखेंगे, फिर 6, टेंस, टेंस इसके वंस के पहले आते हैं तो 6 आ जाएगा, फिर 3000, 3000 है हमारे पास, तो 3000 से पहले हमारे पास क्या आता है? 100 आता है, इस सीरीज में हमारे पास 100 आता है, तो पहले हम 100 को लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा? 400 का आ जाएगा 4, और 3000 का हमारे पास 3000 की प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे वही वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ऐसे ही करेंगे। तो 2 टेंस है, तो 2 टेंस को हम पहले नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? 3 वंस, फिर टेंस आएगा तो 2 यहां आएगा, फिर 8000,
फिर 5000। इस तरीके से हम हमारा नंबर अरेंज कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 करते हैं। एक्सपेंडेड सॉरी 1.3 से पहले हम एक मेथड समझ लेते हैं, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कि हमने पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ी थी, तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जैसे ये हमारे पास नंबर है 3, ठीक है, ये 3, 4, 5, 6, ये एक हमारे पास नंबर है, तो इसमें इसकी प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू हो गई 6 और फेस वैल्यू भी 6। इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 5 और इसकी फेस सॉरी इसकी फेस वैल्यू हो गई 5 और प्लेस वैल्यू हो गई 50, क्योंकि ये 10 की प्लेस पे है। अगर हम इसको क्लियरली लिखें फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो सॉरी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो 3000 प्लस 400 प्लस 5 किस 50 टेंस की प्लेस पे, तो 50 प्लस 6 ये इसका प्लेस वैल्यू है। तो प्लेस वैल्यू को ही जो टोटल आता है वो क्या होता है हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म। प्लेस वैल्यू का जो टोटल है यानी प्लेस वैल्यू का जो सम है हमारा, वो हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है। कोई और नंबर लेते हैं हम। अब इसमें हम देखें जैसे 2000, 400 टेंस की प्लेस पे, तो 50 प्लस 6, तो ये क्या हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो गया। और प्लेस वैल्यू का जो सम होता है वो होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। और जब नंबर हम फेस वैल्यू में देखते हैं जैसे कि इसमें, तो ये जो हमारी फॉर्म है एक नंबर की, वो है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये हमारी हो गई एक्सपेंडेड। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। अब हमें ये नंबर्स दे रखे हैं, उनकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। तो 1 किसकी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 1000। 9 किसकी प्लेस पे है, 100 की प्लेस पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9000। 5 टेंस की प्लेस पे है, तो 50। और 6 वंस की प्लेस पे, तो ओनली 6। सेकेंड हम देखें 5000 की प्लेस पे, तो 5000। 600 की प्लेस पे, तो 600। 7 टेंस की प्लेस पे है, तो 70। और 0 है वंस की प्लेस पे, तो एज इट इज 0। इस तरीके से हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या करना है, हमें एक्सटेंडेड फॉर्म दे रखी है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी कि प्लेस वैल्यूज दे रखी है, हमें इससे फेस वैल्यू बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 4000, तो क्या लिख लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ओनली 4। फिर 5 एंड देन फिर 6। पर 6 क्या है, सिंगल 6 है, बीच में हमारे पास टेंस की वैल्यू नहीं दे रखी है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, टेंस की वैल्यू के लिए यहाँ क्या लगाएंगे, 0, बिकॉज ये 500 है, 500 के बाद डायरेक्ट 1 सारे टेंस आया ही नहीं, तो हम यहाँ 0 पुट करेंगे। और फिर 6, क्योंकि 6 हमारे पास वंस की प्लेस पे है। अब देखिए 3000 का 3, 200 का 2, 70 का 7 और 9 का 9, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है। तो हमारे डिजिट क्या हो गए, 4500 6, 3279। अब एक्सपेंडेड से स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई।